देखिए, जैसे आप जानते हैं कि कोविड की दूसरी लहर चल रही है हमारे स्टेट में, क्या हमारे पूरे मुल्क में, क्या यूं कहिएगा कि वर्ल्ड वाइड। तो आज हमने इसी सिलसिले में आज इसको भी मद्देनज़र रखते हुए रश था काफ़ी बाज़ारों में लोगों को अवेयरनेस देने के लिए। मोहतरमा डिप्टी कमिश्नर साहबा की हिदायत पर मैं, DSP साहब हैं, माजिद साहब हैं, SHO साहब थे, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपलिटी, हम सब एक्सटेंसिव टूर हमने किया बाज़ार का। तो कहीं कहीं पर जुर्माना भी और अवेयरनेस भी करवाई मार्केट चेकिंग के साथ साथ कि लोगों को एतदाल, मार्केट को जो रेट्स हैं उनको एतदाल में रखें, और कहीं पे जो रोटन वेजिटेबल्स वगैरह थी उनको भी डिस्ट्रॉय किया। और जनरली हमने अवेयरनेस दी कि मास्क का जो कम इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर जोर दिया। तो अब सर आने वाले दो दिन के अंदर आने वाले दो दिन में भी ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह। तो लोगों से हमारी पुरजोर इल्तिमास है कि वो हमारा ताउन करें एडमिनिस्ट्रेशन का, ये लोगों की भलाई के लिए ही है। पब्लिक इंटरेस्ट में जो कुछ भी किया जा रहा है पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो लोगों को इस चीज़ में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना चाहिए। जो अच्छा सर, ईद अज़हा के मौके पर नमाज का जो अहतमाम होगा या दूसरे इज्तम होंगे, उस सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या गाइडलाइंस हैं? देखिए, इमाम साहिबान की आज डिप्टी कमिश्नर साहिबा ने मीटिंग तलब की थी। वाजह हिदायत हैं कि अपनी लोकल मस्जिद में कम भीड़ भाड़ के 25 की तादाद को मद्देनज़र रखकर नमाज को कायम किया जाएगा और कहीं पे बड़ा इज्तिमा नहीं होगा ईदगाहों में या कहीं पे भी। हसबी साहब का पिछली ईद की तरह इज्तिमा